हे गाइस, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वहां शो हो रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको नेट का एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ और क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ लेट डी वन इक्वल टू डेट ऑफ सम मैट्रिक्स एंड डी टू इक्वल टू डेट ऑफ सम मैट्रिक्स, देन कौन सा रिलेशन में से ट्रू होगा। और सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इसका मतलब इनमें से एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो अपन किसी बाकी ऑप्शन को एक्सक्लूड करके भी कर सकते हैं या इनका डेट निकाल के भी कर सकते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डेट निकालता हूँ और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये थोड़ा ज़्यादा समय भी लेगा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मैट्रिक्स में ये जो सारी मैट्रिक्स के लिए डेट या ए बी सी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर और सिमिलरली अदर्स जो अपने पास यहाँ डिफाइन है वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब मैं इनको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ मेरी ओर से, ये दोनों के लिए डी वन भी सेटिस्फाई करेगा, डी टू भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं इसके डायगोनल एलिमेंट को वन वन दे रहा हूँ और बाकी एंट्रीज को मेरे पास से मैं जीरो दे रहा हूँ। तो देखो अपने पास जैसे कि डी वन है, डी वन एक्चुअल में अपन को डेट निकालना है, दैट इज ए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँ, ये मेरे पास ए, इसको वन करूँ, वाई को वन करूँ, आर को वन करूँ और बी एक्स पी क्यू जेड और सी बाकी को जीरो पुट कर रहा हूँ, तो पुटिंग ए इक्वल टू वाई इक्वल टू आर इक्वल टू वन एंड बाकी जो अपने पास बचे बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू, इन सबको मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, ये सारे वैल्यूज के रिलेटेड हो सकता है। तो अपने पास डी वन जो स्पेसिफिक वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास डी वन आएगा, वो ऐसा आएगा वन जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो वन जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो वन और इस मैट्रिक्स का डेट हमें पता है, इस मैट्रिक्स का डेट होता है वन। सिमिलरली डी टू का ये वैल्यू रिप्लेस करने के बाद डी टू की वैल्यू अपने पास क्या होगी, तो डी टू मेरे पास है ऑलरेडी, डी टू डेट ऑफ इस मैट्रिक्स का है, तो माइनस एक्स वाई जेड ए माइनस बी माइनस सी माइनस पी क्यू आर। अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर वन सपोज करी थी, नहीं वन सपोज नहीं करी थी, एक्स की वैल्यू मेरे पास जीरो है, तो ये वाला जीरो हो गया। ए की वैल्यू मैंने वन सपोज करी, ए वन हो गया। माइनस पी की वैल्यू, पी की वैल्यू मैंने जीरो सपोज करी, तो माइनस पी मेरे पास जीरो हो गया। वाई की वैल्यू मैंने फिर से वन सपोज करी, तो ये मेरे पास वन हो गया। और बी की वैल्यू मैंने जीरो सपोज करी, तो ये मेरे पास जीरो हो गया। क्यू की वैल्यू मैंने जीरो सपोज करी थी, तो ये मेरे पास जीरो हो गया। और इसमें जेड मेरे पास वन था, जेड मेरे पास वन नहीं था, जीरो जीरो था। सी भी मेरे पास जीरो था, तो ये जीरो हो गया। और जेड इक्वल टू मैंने वन सपोज किया है, आर इक्वल टू सॉरी, तो आर इक्वल टू वन सपोज किया था, ये वन। अब इस मैट्रिक्स का डेट में इसके इसके करेस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट वाला जीरो, सेकंड वाला आएगा तो माइनस का वन, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जीरो इंटू वन माइनस जीरो इंटू जीरो, तो ये मेरे पास सॉरी, तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो सबसे पहले जीरो के करेस्पॉन्डिंग एक्सपांड किया तो जीरो आएगा, इस वन के करेस्पॉन्डिंग एक्सपांड किया तो माइनस वन, और इसको ये वन से वन मल्टीप्लाई होगा, तो वन से वन मल्टीप्लाई टू वन, माइनस जीरो से ये जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो ये जीरो, और रेस्ट तो अपने पास जीरो है, तो अपने पास ये आएगा, इसका मतलब माइनस वन और वन, दैट इज माइनस वन। तो यहाँ इस डी वन और डी टू में अपने पास रिलेशन क्या आ रहा है कि डी वन अपने पास माइनस ऑफ डी टू है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव साइन के, तो अपने पास ये रिलेशन इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, अपन स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं तो दूसरे रिलेशन अपने पास ट्रू नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डी वन इक्वल टू डी टू नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। डी वन इक्वल टू टू डी, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। टू डी वन इक्वल टू डी टू, ये भी अपने पास करेक्ट नहीं हो सकता। और डी वन इक्वल टू माइनस डी टू, ये मेरे पास ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका मतलब मेरा आंसर का ऑप्शन थ्री होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को अपन स्पेसिफिक वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं बिना अपन डिटर्मिनेंट को सोल्व किए हुए या क्वेश्चन को लॉन्ग करके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।